एक ग्रेन्यूल को टैबलेट पर कन्वर्ट करने के दो स्टेप बताया था। पहले स्टेप में पाउडर को ग्रेन्यूल में कन्वर्ट करना और दूसरे स्टेप में ग्रेन्यूल को टैबलेट में कन्वर्ट करना। तो ये दूसरा वाला जो स्टेप है ना वो यहां से शुरू हो रहा है। अभी तक जो आप दो मेथड देखे थे वो इतने स्टेप तक का था, यानी पाउडर को ग्रेन्यूल में कन्वर्ट करना, जिसके दो मेथड थे वेट ग्रेन्युलेशन और ड्राई ग्रेन्युलेशन। अब आपके हाथ में ग्रेन्यूल आ चुका है, अब इसको कैसे टैबलेट में कन्वर्ट करना है ये यहां की प्रोसेस है। वेरियस टाइप्स ऑफ मशीन्स आर यूज्ड। अपन ने वीडियो में भले ही देख लिया सिंगल पंचिंग मशीन से कंप्रेस करते हैं, बट वो सेकंड पार्ट था, यानी ये वाला पार्ट था। इसको परफॉर्म करने के लिए आपके पास क्या-क्या टेक्निक अवेलेबल है। पहली है सिंगल पंच टैबलेट मशीन, बीच में भी हैंड ऑपरेटेड और इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड, जो अपने ऊपर लैब में रखी हुई है वो आपकी सिंगल पंच मशीन है, ठीक है। इसके थ्रू आपका ये वाला स्टेप परफॉर्म किया जाता है। दूसरी जो एडवांस होती है वो है मल्टी पंच टैबलेट मशीन। एक साथ आप 10 या 20 टैबलेट को पंच कर सकते हैं, डाइस बने होते हैं। एक बार आप हैंड ऑपरेट करेंगे तो पूरे डाइस एक साथ प्रेस होंगे, डाउन होंगे और आपकी टैबलेट बन के निकलेगी। जो इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं वो है रोटेटरी टैबलेट मशीन और ड्राई कोटा टैबलेट मशीन। इनमें ऐसे ड्रम लगे होते हैं, जैसे ड्रम, ये ऐसा रिवॉल्विंग ड्रम बना होता है, एक ऊपर और एक नीचे, ऐसे बीच में यहाँ पर टैबलेट के डाइस होते हैं। ये ऐसे राउंड होते हैं ना, तो ये नीचे जाता है और ये राउंड होगा तो ये वाला ऊपर आएगा, तो बीच में जो आपका पाउडर है वो ऐसे टैबलेट बन बन के निकलते रहता है आगे। इसको अपन रोटेटरी टैबलेट मशीन बोलते हैं। ड्राई कोटा भी ऐसी एडवांस होता है, वो अपन देखेंगे आगे। इसमें ये जो ऊपर आपकी मशीन रखी हुई है सिंगल पंच मशीन, उसमें इतने सारे इंस्ट्रूमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं। ये है आपका होपर शू, यानी जहां से आप पाउडर डालते हैं ऊपर। अपर पंच, ये आपका पंच है जो इसमें जाके फिक्स होगा तो पाउडर टैबलेट में कन्वर्ट होता है। ये है आपका डाई, डाई का मतलब जहां पर रखा जाता है पाउडर को। ये है आपका लोअर पंच। देन इजेक्शन रेगुलेटिंग स्क्रू, इसको जब आप ढीला करेंगे तो आसानी से टैबलेट यहां से बाहर निकल जाएगा। और कैपेसिटी रेगुलेटिंग स्क्रू, कितनी कैपेसिटी पाउडर कितना डालना है यहां पर, इससे रेगुलेट किया जाता है। ये सारी चीजें आपके सिंगल पंच टैबलेट मशीन में होती है, वही चीज यहां पर लिखी हुई है, ठीक है। ये इसका ऐसा डायग्राम है जो ऊपर अपने है लैब में। देन वर्किंग, अब ये वर्क कैसे करेगा, ये तो अपने को, आप लोग ऑपरेट किए हैं ना एक हाथ पर मशीन को, किए नहीं किए हो? चलो अपन कोशिश करते हैं कि उसका कोई प्रैक्टिकल रखेंगे, ठीक है, ताकि टैबलेट मशीन यूज करते बने आपको। द अपर पंच राइज, यानी बस उसका ये मेथड है, आपकी मशीन बनी हुई है, हॉपर के ऊपर से आपने पाउडर डाला और पाउडर डालने के बाद वो डाई में फील हो जाएगा, फिर जैसे ही आप उसको ऑपरेट करेंगे तो पंच ऊपर से नीचे दबेगा और ऊपर जब उठाएंगे तो टैबलेट बन के वो निकल जाएगी, वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। ये आपके पंच और डाइस के अलग अलग डायग्राम है। आपको किस टाइप की टैबलेट चाहिए, ये ऐसी गोल टैबलेट चाहिए, ऐसी लंबी टैबलेट चाहिए, ऐसी त्रिकोण टैबलेट चाहिए, स्क्वायर शेप की टैबलेट, ये पंच और डाइस पे डिपेंड करता है। और इसके साथ साथ उसमें इंप्रेशन होता है, जैसे कंपनीज के नाम जीएसके, कई सारी टैबलेट में आप देखे होंगे ऐसा जीएसके लिखे होता है व्हाइट कलर की टैबलेट में। ये आपके पंचिंग इंप्रेशन पे डिपेंड करता है कि आपको नाम क्या लिखना है, पी एन जेड, हर कंपनी वाले अपना अपना नाम टैबलेट पे लिखते हैं, ये इसी से डिफाइंड होते हैं कि किस टाइप के उसमें इंप्रेशन अपन दे सकते हैं। आपको नींद आ रही, क्या नाम है आपका, इसी बहाने नाम याद हो जाएगा, किसी के अच्छे पर्पस के लिए, किसी के खराब पर्पस के लिए। मैं लाइट इसलिए ऑफ नहीं करता, जो सोता है पहले दिख जाता है मेरे को। पानी वानी पी के आना है आप लोग, आपकी नींद अब उड़ गई है शायद, पानी वानी पी के आना है, चलो ठीक है। ये पंच एंड डाइस है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इसके हैं। देन मल्टी पंच टैबलेट मशीन, अलग अलग पंच, एक साथ बहुत सारी टैबलेट को पंच करने वाली मशीन को मल्टी पंच टैबलेट मशीन बोलेंगे। देयर आर 2 टू 12 डाइस ऑन अ बिग प्लेटफॉर्म, एक साथ आप 2 से 12 टैबलेट बना सकते हैं। वर्किंग ऑफ दिस मशीन पूरी सेम है आपके सिंगल पंच मशीन जैसी, बस जहां पर आपको एक डाई होता है ऐसे एक साथ 12 डाई लगे होते हैं, तो एक साथ 10 से 12 टैबलेट बना सकते हैं। ये नाम थोड़ा सा फीका हो गया, ऊपर रोटेटरी टैबलेट मशीन लिखी हुई है। इट इज यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन, ये इंडस्ट्रीज में बनते हैं टैबलेट, इससे एक साथ 1200 टैबलेट आप 1 मिनट में बना सकते हैं। ऑटोमेटिक होता है जो इलेक्ट्रिक से चलते हैं। 70 सेट्स ऑफ डाइज एंड पंच लगे होते हैं इसमें। अ टैबलेट मशीन हैज अ सर्कुलर रोटेटिंग हेड,
है कैरिंग अ नंबर ऑफ पंच असेंबली विद द रोटेटिंग ड्रम एंड दिस इज अ यूनिफॉर्म फिलिंग ऑफ द डाई एक साथ सारे डाइस यानी में पाउडर फिल होते हैं इन दैट कंप्रेशन ऑफ वैल्यूज टेक्स प्लेस एट अपर एंड लोअर पंच पास बिटवीन द प्रायर ऑफ द लोअर्स जैसे ही ये रोलर रोटेट होते हैं दोनों उल्टे डायरेक्शन में रोटेट हो रहे हैं तो ये ऊपर से दबाते हैं ये नीचे से दबाते हैं तो बीच के प्रोडक्ट जो है वो टैबलेट बन जाते हैं इसके डायग्राम में देखो आप समझ आएगा ये ऐसा है ये यहां पर पूरे इसके डाइस बने हुए हैं जब वो ड्रम ऊपर से इसको प्रेस करेगा और ये वाला ड्रम नीचे से प्रेस करेगा तो ये दोनों आपस में फिक्स होंगे और ये बीच में जो पाउडर रखा हुआ है टैबलेट में कन्वर्ट हो जाएगा ये वही प्रोसेस लिखा हुआ है अपर एंड लोअर पंच फिक्स होता है हॉपर में डालते हैं तो जो ड्रम स्टार्ट होता है देन आपका प्रोडक्ट कंप्रेस होकर ग्रैन्यूल्स हुए वो टैबलेट में कन्वर्ट हो जाता है इंडस्ट्री में इसका डायग्राम मशीन का ऐसा दिखता है ये मशीन तो अभी नहीं है बहुत एडवांस है हमें को जरूरत भी नहीं है अभी तो अपन प्रैक्टिस लर्निंग स्टेज में है तो ये होपर्स ऐसे इसमें लगे रहते हैं डाइस और डाइस में फिर प्रोडक्ट भर के एक साथ रिवॉल्व होकर वो ड्रग बनती है जो एक और मशीन है कॉम्प्रेशन की उसको ड्राई कोट का टैबलेट मशीन बोलते हैं दिस इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मल्टी कंप्रेस्ड एंड मल्टी कलर्ड एंड प्रेस कोटेड टैबलेट्स इनमें अपन मल्टी लेयर टैबलेट पढ़े ना एक के ऊपर एक लेयर बनाने वाली तो वो ड्राई कोट का टैबलेट मशीन से बनाई जाती है टू रोटेटरी मशीन वर्क साइमल्टेनियसली एक साथ दो इसके पहले वाली जो रोटेटरी मशीन थी ना इसमें दोनों वो रोटेटरी मशीन को मर्ज करके एक साथ दो रोटेटरी मशीन मिक्स करती है ताकि लेयर बना सके टैबलेट की The core tablet is prepared in one machine, which is transferred to the second machine for compression coating. यानी आपकी drug tablet के ऊपर दूसरी layer चढ़ाने के लिए वो दूसरी machine में भेज दी जाती है ताकि वो dry होकर लेकिन दूसरी layer बना सके.